हम पढ़ रहे हैं स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ने से पहले हम नेटवर्क टोपोलॉजी को थोड़ा सा और ब्रश अप कर लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी होता है द वे वी कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर। ठीक है, हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, उस वे को कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो एक तरीका कनेक्ट करने का है ये, जिसका नाम है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें एक होस्ट नोड होता है और बाकी सारे नोड्स इस होस्ट नोड के साथ कनेक्ट होते हैं। नोड्स मीन्स कंप्यूटर्स, ठीक है ना। सो आप यहां पे देख लीजिए, अगर इस नोड को इस नोड के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो वाया होस्ट नोड ही हो जाएगी कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर इस नोड को इस नोड के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कोई मैसेज भेजना होगा, ठीक है, तो वो मैसेज भी जाएगा इस होस्ट नोड के ही जरिए। ठीक है, दैट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होती है इस स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में वो वाया होस्ट नोड ही हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड बाय होस्ट नोड, जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे होते हैं कनेक्ट किसके साथ, होस्ट नोड के साथ ही। नोड्स इन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट वाया होस्ट नोड ऑनली, जो भी कम्युनिकेशन इस नेटवर्क में हो जाती है वो वाया होस्ट नोड ही हो जाती है। ठीक है, तो इसके फायदे क्या है, n माइनस वन लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग n नोड्स। अब देख लीजिए, इफ n इज इक्वल टू 5, मीन्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो हमें कितनी लाइन्स लगेंगी इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ 4 लाइन्स। दैट्स राइट, वी राइट हियर n नोड्स एंड n माइनस वन लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नोड्स और सिर्फ 4 लाइन्स, 1, 2, 3, 4 लाइन्स लगी। ठीक है ना, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या है, इफ एनी नोड्स फेल्स अदर देन होस्ट नोड द रिमेनिंग नोड्स रिमेन अनइफेक्टेड। अगर कोई भी नोड खराब हो जाता है, खराबी तो आ जाती है ना, कभी भी किसी में भी खराबी आ सकती है, तो अगर किसी भी नोड में खराबी आ गई, मान लीजिए ये नोड खराब हो गया, ठीक है ना, बट जो बाकी है, बाकी नोड्स, जो बाकी नेटवर्क है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो काम करता रहता है। बात समझ में आ गई, अगर ये नोड भी और ये नोड भी खराब हो गया तो बाकी नेटवर्क जो है वो काम करता रहेगा। ओके, तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इफ होस्ट नोड फेल्स द इंटायर नेटवर्क फेल्स। अगर होस्ट नोड इस नेटवर्क में फेल हो गया, अगर होस्ट नोड में खराबी आ गई, तो आप मान लीजिए कि पूरा नेटवर्क जो है वो सारा फेल हो गया, ठीक है ना, सब नेटवर्क बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है।